आइए बेटे फिर साथ में देखते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट कंसेप्ट, हमने करना था टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। बेटा उस केस को हम कर लेते हैं, कल हमने पैरेलल वाला कंप्लीट कर लिया था। लेट अस हैव दिस डिस्कस्ड बेटा, दिस इज योर रिवीजन पार्ट एंड आपके पास ये दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं बेटा, इस तरीके से आपको दिए गए हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। इट विल मीन दैट इसमें करंट अगर आपका आई वन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें आपका करंट आई टू फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। दोनों के बीच में सेपरेशन हमने स्मॉल आर इमेजिन कर लेना है इन दिस वे बेटा। इसका कंडक्टर का नाम आप ए बी रख सकते हो, इसको आप सी एंड डी बोल सकते हो बेटा। ए बी कंडक्टर आपका करंट आई वन कैरी कर रहा है, इस कंडक्टर में करंट की वजह से सी डी कंडक्टर पे आप एक पॉइंट पी ले लीजिए। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए, पी पॉइंट पर फिंगर्स आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, इंडिकेटिंग दैट की मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स बेटा। आप इसको बी वन बोल सकते हो और बी वन हमारा जो होगा बेटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन बाई आर। ये आप ऑलरेडी रिलेशनशिप डिराइव कर चुके हो बेटा। सी डी कंडक्टर को बड़े ध्यान से देखेंगे। अब कल हमने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने निकाला था कि फोर्स हमारा जो है दैट इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा बेटा। इस केस में सी डी कंडक्टर की आप बात कर रहे हो, इस पर मैग्नेटिक फोर्स आपका बी वन लग रहा है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वी कैन मार्क दिस एज आई टू, लेंथ इसकी एल बोल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड हैं तो साइन 90 हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर सी डी। आप एफ वन एफ टू भी कह सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस बेटा। अगर आप ऐसा कर लेते हो देन आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर सी डी पर यूनिट लेंथ निकल आएगा, इट विल बी इक्वल टू बी वन आई टू एंड एल, साइन 90 आपका वन के बराबर होता है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर बी वन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन बाई आर, आई टू आपका एस एच आ गया एंड एल बी एस एच आ गया। अब आप क्या करिए, इस केस में ये एल आपने ऑलरेडी साइड पे एडजस्ट कर लिया हुआ लेफ्ट साइड पे, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं इधर दोनों साइड से। सो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर सी डी पर यूनिट लेंथ बन गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर सी डी बेटा। अगर आप कंडक्टर ए बी की बात करोगे, ए बी कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ये कंडक्टर सी डी करंट कैरी कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आइए जरा अपना राइट हैंडेड रूल अप्लाई करें, तो अगर हम राइट थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें, ए बी कंडक्टर को कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनवर्ड पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे आपने अगेन एक पॉइंट क्यू इमेजिन किया, क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी टू है, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज इन द डाउनवर्ड और इन द इनवर्ड डायरेक्शन। फिर से देखिएगा एक बार बेटा,
ये कंडक्टर ए सी डी लेना है। अब आपने करंट आपका डाउनवर्ड है, फिंगर्स ए बी पे अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज वाई इनवर्ट। नहीं, ए बी को, ए बी की वजह से आपने यहां पे निकालना। जब आप ए बी कंडक्टर आप ले रहे हो ना, ए बी कंडक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो फील्ड इस पे निकल रहा है आपका इसकी वजह से। जब आप यहां पे फील्ड देखोगे वो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से फील्ड इस पर इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट बेटा। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी टू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 ओवर R। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड इट विल बी डायरेक्टेड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ये मिल जाएगा आपको। अब आप ए बी कंडक्टर पर बेटे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू बेटा B2I1 इंटू L साइन 90 हो जाएगा। इट इज फोर्स ऑन ए बी। और जब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, फोर्स ऑन ए बी पर यूनिट लेंथ इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R। I1 आपका एस एच साथ में आ गया, sin 90 यूनिटी होता है, हमने लिखा ही है। सो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी है, ये सी डी है। हमारा इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन का कैलकुलेट करना रह गया है, आइए उसको भी देखें। सी डी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए वी विल हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वी विल होल्ड अवर लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो पी पॉइंट पर फील्ड इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, फोर्स आपका जो है इट विल टर्न आउट टू बी आउटवर्ड। दिस इज फोर्स ऑन द कंडक्टर सी डी एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ए बी कंडक्टर की बात करें, अगर फर्स्ट फिंगर अगेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन, करंट अपवर्ड हो गया एंड फोर्स इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ऑन द कंडक्टर ए बी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन ए बी और सी डी दोनों बाहर की तरफ हैं, तो ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं दे विल रिपेल ईच अदर विद इक्वल फोर्स, और वो फोर्स आप लोगों ने निकाल दिया। क्लियर टू ऑल बेटा? इसी से आप बेटा 1 एम्पीयर का डेफिनेशन भी लिख लेते हो, तो अगर सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया तो मुझे बता दीजिए, आई विल मूव अहेड। अदरवाइज कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला बताइए जरूर बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा सबको क्लियर है? ओके देन बेटा, इसके बाद बेटे हमारे पास है कंसेप्ट एक। आपने बेटे करंट कैरियिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, उसमें कितना टॉर्क एक्ट करेगा, दैट इज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड बेटा। सो लेट अस प्रोसीड विद दैट डिस्कशन। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा, आइए इस टॉर्क को वर्कआउट करके देखें एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि वो टॉर्क हमें कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो दे देगा बेटा। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एस एच एक्ट कर रहा है ये।
और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, लेट अस इमेजिन कि ये कैपिटल बी के बराबर की स्ट्रेंथ है हमने रखी हुई, राइट बेटा। इसमें आपने एक कॉइल प्लेस किया, ये कॉइल आपका, इसके अंदर आपने प्लेस कर रखा है, करंट कैरी कर रहा है ये कॉइल, और इमेजिन कर लीजिए करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपने अप्लाई कर रखा है। एंड हियर ये हमारा एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के राउंड अबाउट हम अपना कॉइल की रोटेशन को मैनेज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द अमाउंट ऑफ द करंट आई मान लो, लेंथ ऑफ द कॉइल आप मान लीजिए एल के बराबर है, ये लेंथ है, और कॉइल का ब्रेथ आपका मान लीजिए बी के बराबर है ये। एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ये एन वेक्टर है, और इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल जो है ये बना रखा है। रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल आपने लिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रखा है। अब इसका कुछ आप कॉइल का नाम रख लो, ए बी सी एंड डी करके। ए बी आपका जो पार्ट है कॉइल का, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, लेट अस वर्क इट आउट। करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड उधर है। वी विल होल्ड अवर लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट एंड द थंब इट इज पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इंडिकेटिंग दैट कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा बी आई एल, साइन ऑलरेडी 90 है, साइन 90 विल गिव यू यूनिटी, बी आई एल के बराबर आपका फोर्स इस पे लग गया बाहर की तरफ। सी डी ब्रांच पे देखिएगा ध्यान से, फील्ड फर्स्ट फिंगर में दे दिया, करंट अपवर्ड है और आपका थंब इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट कि मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज बी आई एल साइन 90। अगेन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये आपके बेटा कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। और आप जानते हैं रोटेशन के लिए टॉर्क जरूरी है, एंड टॉर्क आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। मैं क्वाइल को दोबारा बना रहा हूँ इस साइड पे, ये आपका क्वाइल था, ये ब्रेथ ऑफ द क्वाइल है, और ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, और आपका एंगल थीटा ये आपको दिया हुआ है, आप इसको एक्स बोल दो, एक्स अपॉन बी दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका निकला है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फोर्स को भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास जो टॉर्क है इट विल टर्न आउट टू बी बी आई एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा, लेंथ इनटू ब्रेथ को जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेटे एरिया हुआ करता है, एंड टॉर्क आपके पास आ जाएगा बी आई ए इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा व्हेन वी आर हैविंग सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगी टॉर्क विल बी इक्वल टू एन बी आई ए इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने निकालना है तो साइन 90 आपको यूनिटी दे देगा, इट विल बी एन बी आई एंड साइन
ए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, राइट बेटे। इसके बाद बेटे एक कई बार एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि नहीं जी ये नॉर्मल हमने नहीं लेना, हमने तो प्लेन ऑफ द क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है हमने वो कंसिडर करना है। अगर वो कंसिडर करना होगा हमें तो फिर बेटे आप इमेजिन कर लीजिए बेटा, लेट थीटा डैश इज द एंगल विच द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है जी बेटे। उस केस में फिर क्या होगा, आप लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम, देन बेटा थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आ जाएगा। जब आपका प्लेन ऑफ द क्वाइल एंगल थीटा डैश बना रहा है देन ऑब्वियसली बेटे आपके पास आपका ये क्वाइल था इस तरीके से, ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब आपने क्वाइल के साथ आपका जो थीटा एंगल है ये बोला है और ये राइट एंगल ही रहेगा, ये आपका था थीटा, आपने इसको ऑलरेडी थीटा बोल रखा है, इट विल बिकम थीटा डैश बेटा, थीटा प्लस थीटा डैश दिस मस्ट बी देन 90, इसका इसका और इसका सम 180 होगा, तो आपका जो थीटा है और यहाँ थीटा डैश है 90 माइनस थीटा हो जाएगा और टॉर्क आपके पास बन गया एम बी आई ए साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा और टॉर्क आपके पास एम बी आई ए एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर आपका कॉइल थीटा डैश एंगल जो है ये फील्ड के साथ बना रहा है, कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, तो ये आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा। हमें एक चीज और जरूरी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क की हमें बार बार जरूरत पड़ती है कि आपका जो कॉइल है उस पे ज्यादा से ज्यादा टॉर्क कितना एक्ट करता है, और वो टॉर्क की अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी तभी हम बेटा इस कंसेप्ट को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे अप्लाई करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बेटा स्टडी कर पाए। सो आइए लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द सेम कंसेप्ट अप्लाई टू द केस ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड लेट अस फर्दर ट्राई टू कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये आपके क्वाइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट की ही एक्सटेंशन है। इसमें आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आपने एक आर्मेचर कॉइल विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एक नॉन मेटेलिक फ्रेम पर वाइंड करके सस्पेंड कर रखा है इस तरीके से, और इट इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से एन के बराबर टर्न्स हैं इसमें। इसके अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन का कोर प्लेस कर रखा है टू मेक द फील्ड रेडियल, और इसको एक हेयर लाइट स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया। ये सारे का सारा अरेंजमेंट एक वुडन ब्लॉक या वुडन बॉक्स के अंदर हमने सस्पेंड कर रखा है कुछ इस तरीके से। इसको आपने एक टर्मिनल की हेल्प के साथ
यहां अटैच किया, इसको टर्मिनल T2 आप कह सकते हो। यहां पे आपके पास एक टॉर्शनल हेड है जिससे आपने ये वायर, कंडक्टिंग वायर सस्पेंड कर रखी है, और आपने ये एक यहां पे टर्मिनल T1 बना रखा। ये आपका कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के साथ डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए। ये फास्फर ब्रोन स्ट्रिप है, फास्फर ब्रोन स्ट्रिप, ठीक है जी। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दिस वे। स्ट्रेंथ हमने बी बोल दी मैग्नेटिक फील्ड की। जब आप सारा सर्किट कनेक्ट कर दोगे, इमेजिन कर लीजिए करंट इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है दिस, तो ये आपका एग्जैक्टली वही केस हो गया जो आप अभी प्रेजेंट केस में, क्वाइल के केस में डिस्कस कर रहे थे। और ये आपको बेटा कुछ इस तरीके से सर्किट कंप्लीट कर देगा। ये हेयर लाइक स्प्रिंग आपका क्वार्ट्ज का बना हो सकता है, फास्फर ब्रोंज का बना हो सकता है, आपको के की वैल्यू कम चाहिए होगी। आइए एक बार फिर से इसके साथ, इसके ज्योमेट्रिकल सेटअप के साथ बात करके देखें। आपने एक वुडन केस लिया, उस वुडन केस में सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर प्लेस किया, इसके राउंड अबाउट एक नॉन मेटेलिक फ्रेम लेकर उस पे वायर को वाइंड किया, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्लेस कर दिया आर्टिफिशियल, और इन टर्मिनल्स के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट इसको दे दिया। अब होगा क्या, व्हेन वी विल बी पासिंग द करंट थ्रू दिस कॉइल, तो जैसे आप प्रेजेंटली बात कर रहे थे टॉर्क इस पे एक्ट करेगा NbIN2A के बराबर, रादर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क था, ये टॉर्क इसको डिफ्लेक्ट कर देगा आपकी कॉइल को, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द मोमेंट आपका ये वाला हिस्सा सारे का सारा डिफ्लेक्ट होगा इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिप में, क्योंकि आपने इसको विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट सस्पेंड कर रखा है, इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। एंड इमेजिन कर लीजिए आपका जो थीटा है, इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, आपका जो है के रादर, इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और अगर टोटल डिफ्लेक्शन आपके इस केस में थीटा बन गई, तो ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा बन गया बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका फास्फर ब्रोन स्ट्रिप, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो डिवेलप होगा वो इसको पूरे क्वाइल को वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तब आपका इसमें ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगी, इट विल बिकम स्टेबल, और आप कहोगे NbIA, ये के इंटू थीटा के बराबर आपका निकल जाएगा, और आपका जो आई है इट विल बी इक्वल टू के अपॉन NbA इंटू थीटा आप कर दोगे बेटा। इस ब्रैकेटेड चीज को देखिएगा, आप इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह देते हैं, आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा, और यहां सिंपल बात करने वाली है कि आपका करंट डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड है। अगर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन है दैट विल इंडिकेट कि आप लार्ज करंट पास करवा रहे हो, और अगर कम डिफ्लेक्शन है दैट विल इंडिकेट कि हमारा करंट ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, कम मैग्नीट्यूड का है। कई बार आपको वो आपके डिवाइस की करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज के बारे में बात पूछते हैं कि एक्सप्लेन कर दीजिए करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी बेटा। तो रिगार्डिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस, इन जनरल अगर सेंसिटिविटी टर्म उठा लें, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपका डिवाइस जो है
व्हेन यू आर मेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द डिवाइस, ये कितने कम से कम करंट के ऊपर भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है शो करना। सो सेंसिटिव डिवाइस वो डिवाइस है जो बिल्कुल थोड़े से थोड़े करंट पे भी एक लार्ज डिफ्लेक्शन आपको शो कर देता है। सो हियर हमारे पास पहली टर्म है करंट सेंसिटिविटी IS, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आपने 1 यूनिट करंट पास करवा दिया, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी दैट वी मे कॉल एज करंट सेंसिटिविटी। एंड करंट सेंसिटिविटी विल बी थीटा, देखिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप ये आई को इधर एडजस्ट कर लीजिए, ये सारा फिगर इधर ले आइए, आपके पास आ जाएगा एन बी ए अपॉन के बराबर ही आ जाएगा बेटा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को अगर आप देखो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है आपकी कॉइल की, करंट सेंसिटिविटी इस बात पे भी डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, करंट सेंसिटिविटी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कॉइल पे भी डिपेंडेंट है, और ये करंट सेंसिटिविटी आपका जो है ये के इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है इस पे भी डिपेंडेंट है। अब आइए रिजल्ट को एक बार एनालाइज करके देखें। अगर आप टर्न्स को ज्यादा इंडिकेट कर दोगे डायग्राम में तो दैट विल मेक नो डाउट डिवाइस मोर सेंसिटिव, बट उससे एक प्रॉब्लम होगी कि जब आप अनड्यू ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दोगे तो आपका ये डिवाइस पूरे का पूरा बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और अगर ये भारी हो जाएगा तो ये इमीडिएटली डिफ्लेक्शन नहीं शो कर पाएगा। सो दैट इज वाई वी से दैट देयर इज ऑलवेज ए लिमिट अप टू विच यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, बियॉन्ड विच इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज देन आपका डिवाइस बल्की हो जाएगा, और इन द फैक्ट दैट कि ये सेंसिटिव हो जाए ज्यादा, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो सीरियसली अफेक्ट भी हो सकती है। दूसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड की, आप मैग्नेटिक फील्ड बी को इंक्रीज कर सकते हो बेटा जितना इंक्रीज करना आप कर सकते हो, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा प्रोबेबली। इसी रीजन की वजह से आप यहाँ पे हॉर्स शू शेप मैग्नेट जो है अज्यूम कर लिया करते हैं, और उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो, ये आपके सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो ये दो फैक्टर्स में से एन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, बी को आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लीजिए, इट इज ऑल इन योर हैंड बेटा। तीसरी बात ए, आप एक नॉन मेटेलिक फ्रेम जिसकी आप बात कर रहे थे, आपने काफी ब्रॉड नॉन मेटेलिक फ्रेम लिया, अगर आपका फ्रेम काफी ज्यादा ब्रॉड होगा तो नो डाउट उसका एरिया भी ज्यादा बढ़ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ जब आप करोगे, और अगर एरिया बढ़ गया है इसका, एरिया बढ़ने से क्या होगा, अगेन योर डिवाइस विल बिकम बल्कि, और इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट विल बी सीरियसली अफेक्टेड बेटा, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं बन पाएगा जितना हम बनाना चाहते थे। सो अगेन आप एरिया को एक परमिसिबल वैल्यू तक ही इंक्रीज कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। चौथी बात के की है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे फास्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज का ये लिया हुआ है मटेरियल, इसके लिए के लीस्ट होता है, तो यू कैन यूज दैट मटेरियल, वो आपके डिवाइस को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देगा। इसी के साथ रिलेटेड एक छोटी सी और टर्म है, दैट इज योर बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप बी एस से डिनोट करते हो, एंड दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज, एंड वी दैट इज वेल नोन टू बी इक्वल टू आई इन टू आर,
R being the resistance of the coil which is used in order to have the number of turns realized. So theta upon I आप already calculate कर चुके हो. So Vs will be NBA upon K into R. ये सारे factors आपने discuss कर लिए except this R. R को आप कम से कम रख सकते हो by having the choice of very good conductor. और वेरी गुड कंडक्टर में आप कॉपर यूज कर सकते हो बेटा. कॉपर बड़ा अच्छा कंडक्टर है आपके इलेक्ट्रिक करंट का. जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना डिवाइस आपका ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा. सो इन दिस वे सेंसिटिविटी आपके डिवाइस की काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी बेटा. सो दैट्स समथिंग रिलेटेड टू यूर बेटे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब इसकी कन्वर्शन बची है करनी एमीटर में और वोल्ट मीटर में, तो वो हम आज नहीं कर पाएंगे, टाइम हमारा कम रह गया है. सो बिफोर आई एंड द मीटिंग किसी भी स्टूडेंट को बेटे कोई भी पॉइंट पूछना है, कोई बात है तो आप बेटा पूछ सकते हो. सो अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. इस पुनीत. हाँ जी सर. बेटे क्लियर? और कोई बात है पूछने वाली तो बताइए. नहीं नहीं सर, सब क्लियर है. भूमिका, लक्ष्य, भव्या, ये गलती से नाइन्थ का स्टूडेंट भी आ गया है अनुष्का. नाइन्थ बी क्लास का स्टूडेंट अनुष्का. ओके बेटा, बाकी फिर बेटे कल करते हैं बात. विश्वनीत कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर. ओके बेटे, थैंक यू ऑल बेटा. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर. ओके.